They are neither a spark nor a lightning. They are a freaking volcanic eruption. वाइब तो है, वाइब तो है, वाइब तो है, वाइब तो है, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बनाया तो है। स्काउट भाई का और सारंग का बोला था उस टाइम कि गांड में कूदा है क्या खेलने का, जीतने का है क्या? तो मैं बोला हाँ खेलना है मुझे, जीतना है मुझे। तो फिर मेरे को बोला था कि चल ठीक है कल से खेलने आ जियो, जो भी उस टाइम करंट लाइनअप पे थे उनके साथ तू खेलेगा। तब मैं टीम एक्सपार्क ज्वाइन किया था। ऐसा होता था कि भाई वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा था अपना जो हमें चाहिए था। वेल ऑन पेपर जितनी अच्छी टीम थी उतना परफॉर्मेंस नहीं था। हाँ ये बात है, ऑन पेपर तो बहुत तगड़ी टीम है यार, बट ये सब कुछ बाद में रिजॉल्व कर दिया था स्काउट मैंने सबसे बात करके। उसके बाद सबका माइंडसेट और सब एक ही पेज में आ गए थे। तो उस टाइम पे हाँ ऐसा था कि जीतना है सबको, इतने दूर से सारे आए हुए हैं। उसके बाद बहुत ही अच्छी बन गई थी हमारी बॉन्डिंग, हम खुद पे ट्रस्ट करने लग गए थे एंड वो टीम वाला जो ट्रस्ट वो भी सही से होने लग गया था। जैसे ये टीम बनी थी मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि बहुत मतलब कितने अच्छे सारे प्लेयर हैं। सारंग स्प्रेगॉड को मैं जानता हूँ पहले से अच्छा है, निंजा आपको पता ही है MVP प्लेयर है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा खेला है वो। और साथ में शेडो था, शेडो का मुझे पता था कि बहुत अच्छा प्लेयर है, लाइक बहुत पुराने टाइम से खेलता आ रहा है। मास्टर सीरीज में उसको देखा था मैंने कितना अच्छा उसने ग्लोबली स्पोर्ट्स की लाइनअप को खिलाया था। जैसे कि शेडो सबको पता है पहले टीम Z में था, पर हम सारे रहते एक ही घर में थे। तो जो बाकी गेम्स होते हैं BGMI के अलावा, वो शेडो हम लोगों के साथ काफी खेलता था, TX के जितने बंदे सबके साथ। तो वहाँ से उसका काफी मतलब बॉन्डिंग गेम के बाहर सबके साथ बहुत अच्छा हो गया था। तो वहाँ से धीरे धीरे सबको कॉन्फिडेंस आया कि यार शेडो कर सकता है। और सबको लगता ही है कि मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खेला हुआ है ऑलरेडी। भाई बहुत पहले से भाई शेडो RVNG से पहले खेलता था, तो बस ऐसा लगता ही है लोगों को। बट शेडो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और काफी ज्यादा खेला हुआ है। बीजेएस ग्राइंड हमारा बहुत खराब गया था क्योंकि बहुत सारे गेम्स ऐसे थे जिनमें बहुत इशू हो गया था भाई स्टार्टिंग में। भाई डैश रॉकेट्स की बात करें, वो आगे बढ़ रहे टीम एक्सपार्क, वो भी कर लेकर के आगे जाते हुए नजर आते। लाइव क्राफ्ट के बहुत मतलब सिली मिस्टेक्स हुई थी यहाँ पे। एक और मुश्किल स्थिति जो हमें देखने को मिल जाएगी टीम एक्सपार्क के पास। शाडो मिला गंगू से फुल इज्जत करने को तैयार है। ये तो बहुत गलत मारता भाई, बहुत गलत मारता ये स्प्रे ने, बहुत गलत, बहुत गलत तरीके से वो टीम एक्सपार्क भाई। मैचेस यार याद आ गए सारे के सारे। स्प्रेगॉड के 9, अरे भाई 9 फिनिशर निकाल चुके हैं। घोड़े की बात करें मुश्किल उनकी बढ़ाई भाई, स्प्रेगॉड था भाई सही। पर मुझे लगता है सारा उन्होंने ऑलरेडी वो जो नेट था उसके खींचने की आवाज उन्होंने सुन ली, वो आगे गए और सामने वाले खिलाड़ी को पता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा दे दिया था, उसके बावजूद अरे जरूरत नहीं पड़ने वाली थी भाई। यार सही शॉट्स के साथ एकदम डाले हैं यार, मजेदार डॉक्यूमेंट्री बनाई है भाई, मजेदार। पर एक सबसे ज्यादा बात होने वाली ये है कि आईटी का जो गलत गिराया पर इन सबके बीच में ओवेन वो आगे बढ़े और उन्होंने निंजा जॉर्ज को डाउन कर दिया। निंजा जॉर्ज वो समाप्त कर चुके पर ओमेगा में लॉक कर दिए गए। नाइस खत्म 1v4। ये तो बहुत गलत मारा भाई, बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत गलत भाई। मतलब ये वो स्प्रे जिसको देख के मैं बोला भाई इसका POV मांगो, इसका POV मांगो, ये वो वाली टाइप ऑफ स्प्रे। मतलब एडविन पीछे खड़ा है, एवरीथिंग इज फाइन बट स्टिल मतलब बहुत गलत स्प्रे थी भाई ये। टीम एक्सपार्क वो थंडर बन के उतर रहे हैं आज रेत मीरा मार के मैप पे, और इसी के साथ जो मुकाबला है वो हम यहीं पे समाप्त करते हुए नजर आएंगे। जो अपडेट है वो हम आपको देंगे जरूर। तो मैं मतलब हाथ जोड़ रहा था कि भगवान प्लीज ये मैच रिहोस्ट नहीं होना चाहिए, हमने बहुत अच्छा खेला है। उसके बाद क्राफ्टिंग का भी डिसीजन आता है कि रिहोस्ट नहीं हो रहा है मैच, क्योंकि लास्ट 3 टीम बची थी और लास्ट कुछ 1-2 सर्कल बचे थे, तो वहाँ पे पॉइंट मिल जाते हैं। देखना ये है कि क्या ये मुश्किलों की शुरुआत है, क्योंकि शायद उनको भी डाउन करेंगे एक खिलाड़ी को। पर स्लग को आप देखिए कि उन्होंने 2 खिलाड़ियों को वहाँ पे गिरा दिया, 20 वो भी नॉक कर देंगे। गलत गलत ये ना होल्डिंग बहुत अच्छा था भाई। जो आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से और वो जरूर चाहेंगे कि जिन खिलाड़ियों को नॉक उन्होंने किया है उनका फिनिश। ज्यादा पूरी टीम फिनिश कर गई, पूरी टीम फिनिश। बट स्लग ये मोमेंट पिट गया बेचारा, बुरा लगा भाई स्लग के लिए मुझे यार, बुरा लगा भाई। स्काउट फॉर लाइफ। अरे भाई टीम एक्सपार्क, टीम एग्रेसिव, टीम आईकू सोल फ्रॉम महाराष्ट्र। भाई साहब लॉन्डे तो भरे भाई। फील द स्पार्क। मैं तो सच बताऊं तो लास्ट ओ भाई साहब फाइनल के पहले मेरे को ऐसा भाई होता है, भाई होता है। मतलब मैं सोच रहा हूं, एक्साइटेड हूं कि कल क्या होगा, कैसे खेलूंगा, सोच रहा हूं और मेरे को पूरी रात नींद ही नहीं आई। तो उसके बाद जब हम डेट स्टार्ट किए उस टाइम पे हम लोग का क्लियर माइंडसेट था कि हम जीत रहे हैं, कुछ भी हो कोई कुछ कर खेले, कुछ भी खेले, हम नहीं जीत रहे, हम ऐसा था पूरा क्लियर था। और अगली जो टीम आने वाली है हमें पता है कि ऑडियंस का रिएक्शन कैसा होगा। टीम एक्सपार्क जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने देखा है, और मैं बात कर ही रहा था कि ऑडियंस का रिएक्शन ऐसा होना बनता भी है। इन गेम क्वालिफायर से वो टीम क्वालिफाई करके आई है, अपने आप को उन्होंने प्रूव किया है, लैंड फाइनल का हिस्सा बने, अभी तक चिकन डिनर नहीं निकाला पर स्टिल टॉप 3 में मौजूद है। गॉड्स और टीएक्स का जो राइवलरी मजा आ गया था, पीछे से मोगो का आगमन, वो नहीं रुकने वाले, पर निंजा जो एक को डाउन किया, उनको यहां पे डाउन किया गया, नेड आया। ये देखो यहां पे जब निंजा ने मोगो को डाउन किया तभी शायद मुझे लगता है मोगो ने सोचा कि हां भाई निंजा तो चाहिए हमें। सारे हुए डाउन, शैडो होल्ड को भी करना पड़ेगा बट मोगो वो जितनी तेजी नहीं है भाई, नेड भी आ रहे सब तरफ से पिट रहे भाई, सब तरफ से। कितनी चालाकी से वो वहां से निकल गए, पर टीम एक्सपार्क वो निकल पाएंगे नहीं, वो फंसे थे। टेस्टो को अकेले गए, टेस्टो ने रिस्क लिया, टेस्टो खत्म हुए। जस्टिन के ऊपर जिम्मेवारी डेल्टा पीजी, अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपनी टीम में छुप के खेलना पड़ेगा। धीरे-धीरे वापस अपने पैरों पे आते हुए बाहर निकले हैं शैडो, एक नाइस नाइस करने का मौका, हिट टू प्लेयर्स डाउन, बट यहां पे टीम एक्सपार्क के साथ देखो मिल रही है। ये तो क्रेजी था भाई, ये मैच तो लेजेंडरी मैच था भाई, पूरा गेम बदल गया था अपना। और वो जो लास्ट में 4v4 था वो तो सबने देखा होगा, तो पूरे फाइट में जो बूम आ रहे थे। लिम्रा देखा ये कि क्या वो बेहतर फाइट यहाँ पर लेकर के जा पाएंगे, क्या वो एक बार फिर से एक बहुत एक्सपीरियंस लाइन अप की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। कुछ रोक पाएंगे गॉड, डैमेज उनको भी पड़ा, एक बढ़िया ग्रेट शैडो का रीपर वहां पर, आगे पीछे सब जगह फाइट ली भाई, एक बढ़िया मौका की निकाल पाए, पर एक और ग्रेट शैडो का हमको वही था कि अगर हमको जीतना है तो हम एपिक मैच था। यस भाई, अनफॉरगेटेबल मैच फॉर श्योर। ये फाइनल बैटल जो हमें देखने को मिल रही है, एडमिन गुंगू के मैच देख रहे भाई, समझ रहे हो लेवल को भी यहां पर बाहर भेजा गया, यानी इसको लीड कर दिया, नो आईडिया। वशिष्ठा के आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, क्या ब्रेक और यहां पर एक 21 रन जीतेंगे, क्या ये चिकन डिनर निकलेगा टीम एक्सपार्क का? सुरेश बैठा है बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, शुरू अगर बाहर फेंक कर किसमें लेते हैं, सेव और उसे खत्म प्ले आएगा। और यहां उस मैच में लाइक हमारा चिकन आ सकता था बट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया, बट स्टिल हमने आई थिंक 14 पॉइंट्स स्कोर कर लिए, और जी ने भी सेम पॉइंट स्कोर कर दिए सर, सो ये चला गया था मेरा मार के मैच भाई। बट मतलब लाइक टीएक्स एंड जी, मतलब स्काउट एंड मवी बाजी बोथ सो सुपर डुपर क्लोज, मतलब 1-2 भाई, वो मतलब मोमेंट था भाई, मोमेंट हमारे में अच्छा खेलेगा वो ऊपर आ सकता है, ये दोनों भाई एकदम क्लोज। शानदार तरीके से खेलते हुए यहां पे नजर आए एक्सपार्क, ओमेगा ने ट्राई हार्ड किया था बट यहां पे यार पूरा ट्राई हार्ड किया था, बहुत ट्राई हार्ड किया था ओमेगा ने इसमें, पीछे से भी आ गया था बंदा। क्या वो यहाँ पे आखिरी ब्रेक को निकाल पाएंगे ओमेगा? ठीक है डीएल सुपरस्टार फॉर हिज टीम राइट नाउ, बट निंजा जोर जब तक है तब तक एक्सपार्क की उम्मीदें हैं। M16 के साथ एक बार और मैंने उसने एयर से एक नॉक निकाल दिया, तैयार 2v3 की सिचुएशन, ओपनिंग मिल गई नॉक निकालते हुए नजर आएंगे, ऊपर तक जाने की कोशिश कर रहे थे, की और देखता ये है कि क्या वो जीतने में नजर आएंगे, बट फ्रेगॉड उनको हार्ट बीट इन दिस मैच देखना कैसे देख रहे हो मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो रिवाइव करने के लिए जा रहे थे भाई, खुद तो पीछे मौजूद है जज MVP राइडर अगेन अक्षत को वहां पे नॉकआउट किया गया है, और देखता ये कि 1v1 की इस बैटल में क्या थोड़ा पहले एक दूसरे आती ना गेम पूरी पलट जाती है, सारे को आगे जाने नहीं हो, इस लो एचपी इतनी माइक्रो चीजें भाई, शॉट करेंगे कार्निवल के में द कार्निवल इज डिपार्टेड एंड टीम एक्सपार्क, थोड़ा पहले एक दूसरे आती गेम पलट जाती है। आउट भाई साथ में बैठे थे, मैं भी साथ में था, और मतलब हम सारे ही थे। स्काउट भाई मेरे से पूछ रहे थे कि उसमें हम भाई डाउन हो गए, 5 पॉइंट आए, मैंने और स्काउट भाई जीत गए, क्योंकि जिस पेस से वो लॉबी खत्म हो रही थी तो मुझे पता था कि लाइक जी को ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलने हैं। उसके बाद मावी ने जो रोटेशन करवाई और वो चिंकी हिल ले लिया सेंटर, उस टाइम मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मुझे कि अब क्या होगा। मैं तो चाह रहा था कोई टीम पुश करके इनको डाउन दिक्कतें उनके लिए बढ़ने वाली है। यहाँ डायनासोर को यहाँ पर मौजूद रहने वाले, देखना यह कि मवी क्या उनको रिवाइवल कर सकता है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ये करो या मरो की स्थिति उनके लिए रहने वाली है। फाइट उनको किसी भी हालत में जीतनी है, और सामने मौजूद है वो टीम जिन्होंने हार कभी मानी नहीं। आरू गेमिंग को 20 को डाउन करेंगे। इट इज अ इवन सिचुएशन राइट नाउ, इट इज अ 2 वर्सेस 2 डायनासोर के भाई तुम जो, लेकिन आरू ने क्या खिलाया था भाई इस गेम में, क्या खिलाया था भाई लॉर्ड आरू। हां देखा सब वही बोल रहे हैं लॉर्ड आरू भाई, क्या खिलाया था आरू ने भाई, मजा आ गया था। आरू गेमिंग को आगे बढ़ते नजर आएंगे। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स दे आर फाइटिंग बट नीड टू विन एंड इट इज अभी भी ऊपर की तरफ मौजूद रहेंगे। आरू के लिए वो ग्रेनेड का कनेक्शन बनाएगा, जी नहीं, ऊपर बढ़ने की कोशिश आती है, जरूर जा रही है 1v2। ये पॉइंट पे जब आरू आया उसका जो आकर है वो जरा आरू के भी को जरा सामने से वो निकल कर आए और ग्लोबली स्पोर्ट यहां पर बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है उनके खिलाड़ी। देख रहे हो स्किप्स। अरे भाई आरू ने सिंगल हैंडेडली भाई क्रेजी खेल दिया था, सिंगल हैंडेडली आरू ने भाई। लॉर्ड आरू, टीएक्स आरू, थैंक यू आरू। बस आरू तो फिफ्थ प्लेयर हार्डली बढ़ रही थी और होता काश बस ये मर जाए और भाई वैसा था कि टीएक्स आरू करे लॉर्ड। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू आरू गेमिंग। देखिए उन्होंने आरू भी लाइक आ रहा हूं एंड यू आ रहा हूं। उन्होंने तो नहीं पूरे किए वो पहला पायदान हासिल करने में, पर ग्लोबली स्पोर्ट्स को एक अकेले खिलाड़ी ने रोक दिया। आरू गेमिंग अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी, सिंगल हैंडेडली आरू ने भाई सिंगल हैंडेडली डाउन करता हुआ आरू पानी बिखेरते हुए ग्लोबल स्पोर्ट्स के सब लोग माफी वहां पर समाप्त कर। हां चलो कमा हुई है स्टिल सर्वाइव में प्रेशर नहीं हैंडल। हां जी प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए, एग्रीइंग। चार प्लेयर थे भाई उनके पास, अगर वो ये 1v3 करके जाते एक फाइट भी पॉसिबल थी। चार प्लेयर आगे हो जाएंगे बट उनको शट डाउन किया जाएगा। यहां जीत गई टीम एक्सपार्क। वजीता प्रसाद, अरे लिको चिकन हमने निकाला है भाई, कैमरे शिफ्ट हो गए कि सारे स्प्रे बोल रही। क्या हो गया भाई, बिलीव ही नहीं हो रहा है। ऐसा निंजा अलग ही कांप रहा है, मैं कांप रहा हूं, मेरे पैर कांप रहे हैं, पता नहीं कैसा अलग ही फील है वो। क्रेजी भाई क्रेजी यार, मतलब आई रिस्पेक्ट है भाई लोंडो का यार, क्या ही मतलब खेला है भाई। एंड गाइस आई नो दिस इज समथिंग जो मतलब काफी कम लोग बोलते हैं, बट गाइस डू राइट ऑस्पियम बाय ओपी भाई। ही इज अ क्रेजी कोच भाई, तुम्हारा ना मानो भाई, मैं कह रहा हूं ना भाई, आई हैव सीन हिम वर्किंग, आई नो द गाइस पैशन भाई, वो क्रेजी बंदा है भाई। ऑस्पियम भाई ओपी भाई, निंजा भाई, निंजा ने भी कितना हेल्प किया भाई। एवरीवन कंट्रीब्यूटेड यार, एवरीवन कंट्रीब्यूटेड भाई, लव फ्रॉम गॉड। हां ये है ना भाई, ये है प्यार भाई। मोमेंट भाई मैं सही कह रहा हूं, मैं अपने घर पे था, इफ यू गाइस डोंट नो तो उस टाइम तक माय बॉडी वाज ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड, ठीक है, माय हाउ द बॉडी वाज पैरालाइज्ड इधर से नीचे। I was just holding my phone like this and I was crying. मैं सच बता रहा हूँ, crying कि भाई मैंने मिस कर दिया यार, इतना crazy moment यार, मतलब this was once in a lifetime वाला moment यार, कि तुम you guys know I'm a big time scout fan, so यार seeing scout emotional is, मतलब भाई दो बार मैं रोया हूँ, एक बार जब OR वाला टाइम, जब स्काउट रोया था भाई, और दूसरा ये वाला टाइम जब मुझे लगा कि यार ये भाई बहुत गलत हुआ कि मैं क्यों नहीं था लैंड पे यार, मतलब ये दो मोमेंट्स थे भाई। I was very, मतलब you know I was so low at that point कि भाई Bro, I don't know how my body is gonna react, क्या होगा फ्यूचर में। डॉक्टर्स ने जवाब दिया है कि भाई एटलीस्ट इट वुड टेक एक साल एंड समथिंग, एवरीथिंग जस्ट वैनिश्ड कि भाई फक ब्रो क्या जीती TX। मैं ऐसे हूं पता है, लेटा हूं बेड पे एंड आई कैन जस्ट मूव विद द एंड आई वाज होल्डिंग माय फोन, आई वाज जस्ट वाचिंग इट कि भाई क्रेजी मोमेंट। जहां उन्होंने BGIS छोड़ा था PFPS के फाइनल में, वहीं से एंट्री फील्डर्स। हां ये भाई फील्डर्स क्रेजी भाई, क्रेजी 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 भाई, मजेदार मजेदार भाई। ह्यूज शॉट आउट टू उर्वेश एंड एवरी अदर पर्सन बिहाइंड द सीन जिसने मेहनत की, डॉक्यूमेंट्री क्रिएट किए भाई, ह्यूज शॉट आउट टू देम यार, क्रेजी बनाया भाई, रियली लव्ड इट। ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज आनी चाहिए भाई,